तो नमस्कार, स्वागत है आज हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और हमारे इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं मिस्टर अतुल जी हैं, तो अतुल जी से हम बातचीत करेंगे और अतुल जी से चीजें जानेंगे, अतुल जी से आज अनुभव लेंगे। और हमारा पॉडकास्ट होगा थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉडकास्ट होगा। तो पॉलिटिक्स को हम लोग अपना जो मेरा अनुभव है, जो अतुल जी का अनुभव है, दोनों दूसरे को साथ शेयर करेंगे, आप तक लोगों तक, आप सब लोगों तक इस अनुभव को पहुंचाएंगे। तो अतुल जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद सर, और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप हमारे बीच आए और हमें मौका मिला कि हम आपसे कुछ बात करें, कुछ हरियाणा का जो माहौल चल रहा है चुनाव का, उसके विषय में। तो चलिए अतुल जी हैं, अतुल जी से राजनीति के बारे में थोड़ा जानते हैं। अतुल जी, आप बताइए कि राजनीति को आप कैसे समझते हैं और क्या जानना चाहते, मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं राजनीति के बारे में, अपना थोड़ा अनुभव शेयर करें। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना मत, अब जो अपना मत है, जो अधिकार है, जो आपके अंडर में है कि आप अपने से दे सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं, वो है कि आप एक साफ सुथरे ईमानदार प्रत्याशी को वोट करें, उसको अपना मत दें, मत अपना बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको सिर्फ 5 साल में एक बार टाइम मिलता है और ये उत्सव है, ये त्यौहार है जो कि 5 साल में एक बार आता है। होली, दीपावली, दीवाली, दशहरा, ये तो साल में 5 साल में 5 बार आएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बार आता है। इसे सोच समझ कर दें, अपने भविष्य को देखकर, बच्चों के भविष्य को देखकर, और विकास के नाम पर दें, ईमानदार प्रत्याशी को दें, जो आपको लगे कि ये हमारे बीच काम करेगा उसको दें। तो हमारा प्रश्न ये है कि एक ईमानदार और अच्छे नेता की परख कैसे आम जनता कैसे करे, क्योंकि आम जनता को तो पता नहीं होता कि हमारा नेता कैसा है, वो बस ऐसे ही हवाबाजी में आके काफिले में देख के वोट दे देता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि नेता हमारा ईमानदार है? नहीं, देखिए सबसे पहली चीज है कि ईमानदार प्रत्याशी, जो ईमानदार नेता है, वो आपके सामने बैठेगा, आपके नजर से मिला के देखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ईमानदार है कि और किस तरह है। वो सबसे पहले तो आपको जब बताएगा तो अपने बारे में सीधा साधा, एकदम साधा इंसान होगा, सच्चा इंसान जो होता है वो फिजूल की बातें नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता, और ना आपको किसी भी बात पे लुभाने के लिए बोलता है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो सीधे बोलेगा कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपके विकास करेंगे। और जो बोलता है कि मैं मेरे, मतलब उस काफिले को आप देखेंगे कि जिसके पास 100 गाड़ियों का काफिला हो, अच्छी खासी पब्लिक हो, वो पैसे वाली पब्लिक होती है, ना कि वोट देने वाली। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बहुत सारे नेता लोग होते हैं, एक टाइम में देखा जाए तो एक छोटे सी फैमिली से होते हैं, मतलब उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते, ज्यादा उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होते, मतलब समझ आया तो रिच लाख उतना अमीर नहीं होते, लेकिन जैसे वो चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आते हैं तो वो ऐसा क्या कारण होता है कि उनकी वेल्थ मतलब ऐसे ग्रोथ करने लगती है, जैसे फसल, क्या कारण है कि इनकी ग्रोथ ऐसे बढ़ने लगती है, वो ऐसा क्या करते हैं? दूसरी चीज क्या, काफिले में इतने सारे लोग क्यों लेके जाते हैं? वो कहीं नेता को डर होता है, भय होता है कि हम काफिला दिखा के लोगों के बीच में एक अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, या फिर वो डरते हैं? नहीं नहीं, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बोला है कि वो काफिला क्यों ले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, काफिला इसलिए ले जाते हैं, वो जानते हैं कि जनता मूर्ख है, आम जनता सादी सुधी, मतलब उनके दिल में कोई छल कपट तो है नहीं, इसी को बोलते हैं आम पब्लिक, आम आदमी। वो जानते हैं कि हम अच्छा खासा काफिला ले जाएंगे, अच्छी खासी भीड़ ले जाएंगे, लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे इनके साथ तो पूरा काफिला चल रहा है, बल्कि उनको ये पता नहीं, ये काफिला आपके विधानसभा का नहीं है, ये काफिला पता नहीं कितनी है, कहीं दिल्ली का होगा, कहीं पंजाब का होगा, मतलब एक तरीके से देखा है कि जनता को बुलाया जाता है दूसरे दूसरे स्टेट से, दूसरे दूसरे विधानसभा से। बिल्कुल बिल्कुल, वही बुलाया जाता है, वही पब्लिक को दिखाया जाता है। नेता जानता है कि मैं बस मुझे दिखा देना है पब्लिक कि हमारे साथ इतने लोग हैं, हम जीत रहे हैं, उसी के मतलब वही भावनाओं में आम पब्लिक बह जाती है, जो बाद में पछतावा होता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न ये था कि नेता शुरुआत में तो जीरो होता है, लेकिन वो 5 साल तक इतनी अपने पास एसेट्स इतना बिल्डअप कर लेता है, तो इसके बारे में क्या है? अगर एक नेता की वेल्थ लगातार बढ़ती चली जा रही है, चुनाव के पहले तो एकदम जीरो था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, और उस पैसे का सोर्स क्या होता है? और आम जनता कभी ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल नहीं करती कि भाई आपके पास इतना पैसा कहाँ, आपके पास चुनाव से पहले तो आपके पास सिर्फ एक मतलब छोटी सी कार थी, मान लीजिए किया है, फिर जो भी कोई 10 लाख की कार, लेकिन चुनाव के बाद आपके पास इस कार को फॉर्च्यूनर या बड़ी बड़ी कारें कहाँ से आ जाती हैं, कहाँ से पैसा आता है? ना कि नेता के पास कोई फैक्ट्री होती है, ना इंडस्ट्री होती है, तो पैसा आता कहाँ से उनके पास?
मैंने आपको पहले बताया कि ईमानदार प्रत्याशी, ईमानदार नेता जो होता है उसके पास कुछ नहीं है। जो ये सब आते हैं ना, ये सबसे बड़ी कमियां तो हम आप में है, एक आम नागरिक में है, कि हम लोग अपने मत का सही उपयोग नहीं करते। हम अपने मत को उसी को देते हैं जो बड़े बड़े काफिला दिखा देता है, फॉर्चूनर गाड़ी दिखाता है और ग्लोरो चंद रुपये में हमें मतलब वो खरीदने की कोशिश करता है, और हम उसके भावनाओं में बहकर उसके पक्ष में चले जाते हैं। और सबसे पहली गलती तो हम ही, हम अपने आप में गलती मानते हैं कि हम उस समय ये नहीं सोचते कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा। आने वाला कल जो भविष्य के लिए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो माताओं बहनों के लिए, वो अच्छा पल आएगा कि नहीं आएगा, ये हम जब डिसाइड करना होता है तो हम उस चीज़ों को भूलकर उस नेता के पास चले जाते हैं। तो वो नेता क्या करेगा, उसके पास जो पैसा खर्चा करेगा उस पैसे को अपने बचाने के लिए वो कोई काम नहीं करेगा, हम आपकी जो कमाई है वो लूट के ले जाएगा। मतलब एक तरीके से देखा है अतुल जी का कहने का मतलब, जहां तक मैंने समझा कि आपका कहने का मतलब है, जैसे एक नेता चुनाव जीतता है तो पहले अपना जो इन्वेस्टमेंट किया रहता है 2-4 करोड़ जो भी किया रहता है उसको पहले रिकवर करता है, फिर अगर उसके बाद भी पैसा बचता है, उसके पास भी टाइम बचता है, तो अपने अगले चुनाव के लिए तैयारी करता है, उससे पैसा बच जाता है, फिर अपने लौंडे के लिए, अपने बच्चों के लिए करता है, ऐसा भी कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखिए वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, इसी को कहते हैं परिवारवाद। अगर आज जैसे हमारे पिताजी हैं तो कल हमें बनना पक्का है, इसे कहते हैं परिवारवाद। और जो नेता ईमानदार होता है वो बेचारा इसी में टूट जाता है, क्योंकि उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। मतलब देखा जाए कि अगर राजनीति करनी है तो ईमानदारी छोड़ दीजिए। राजनीति आज के डेट में अगर राजनीति करनी है तो देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि हमें खुद सोचना होगा। अगर हमें अपना भविष्य बचाना है, हमें बच्चों को भी भविष्य में देखना है, कुछ आगे बढ़ें, कुछ आगे करें, तो आप जब तक नहीं सोचोगे तो नेता कुछ नहीं करेगा। इसी तरह के नेता बनते रहेंगे, वो बनते चले जाएंगे, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बढ़ती चली जाएंगी, और हम आप उनके पीछे एक उठल्लू का चूल्हा बनते चले जाएंगे। मतलब झंडा लगा के नारेबाजी करेंगे। बिल्कुल यही, नाराबाजी झंडा लेके पीछे दौड़ते रहेंगे। जबकि हमारा ये त्योहार है, हमारा ये पर्व है, जो हम अच्छे से किसी ईमानदार प्रत्याशी को दें, जो कि वो 5 साल हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को विधानसभा में रखे और विकास करे। तो देखो मैं अपना थोड़ा सा और ओपिनियन बता देता हूँ कि कोई भी नेता होता है ना, नेता अपने सत्ता के लिए भूखा होता है, क्यों तुझे? बिल्कुल सर बिल्कुल, आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है बहुत बेकार है हमारे हिसाब से। और मैं सारी जनताओं को, इस समय मैं मौजूद हूँ हरियाणा में, और मैं हरियाणा के बाड़वा विधानसभा क्षेत्र से एक पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप आने वाली 5 तारीख को सोच समझ कर वोट दें, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने माताओं बहनों बहनों के मान सम्मान को, और खुद अपने आप के विकास की ओर वोट दें। बाकी बहकावे में नया में एक सच्चे ईमानदार प्रत्याशी को चुने। धन्यवाद। एक नेता की देखो मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक नेता की शक्ति पावर क्या होती है, लोग होते हैं, लोग उनको वोट देके उनको ताकतवर बनाते हैं, और फिर वही लोग जो नेता हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल आम जनता पे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। तो देखो भाई, आम जनता से मेरा एक ही सवाल, एक ही मैसेज है, जो भी कुछ समझना समझो कि नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े से बड़े नेता से डरिए मत, क्योंकि देखो यार आपने उनको जिस लेवल पे पहुंचाया, जहां पहुंचाया ना, सिर्फ आपकी वजह से है। लगभग आपकी जो भी विधानसभा, जो भी सांसदीय क्षेत्र, आपके वोट के बल पे वो वहां तक पहुंचे हैं। उनकी सत्ता तभी तक कायम रहेगी जब तक वो उस पद पे हैं। जिस दिन उस पद से वो हट गए ना, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा कि ये फलाना इंसान कौन था। तो आप डरिए मत, अपने विकास के लिए, अपनी मांग के लिए उनके पास जाइए। आप सोच के देखिए कि एक नेता चुनाव से पहले ना कुत्तों की तरह मेहनत करता, ना दिन देखता, ना रात देखता, ना भूख देखता, ना प्यास देखता, ना बारिश देखता, ना ठंडक देखता, ना गर्मी देखता, बहुत मेहनत करता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्या कारण होता है कि जैसे लगता है साफ सुन गया, कभी तो दिखता ही नहीं है। कुछ आज ऐसे क्षेत्र भी बड़े हैं जहां पे एक सांसद 10-10 साल हो जाता है, जाके वहां आम आदमी से पूछो, भैया आप यहाँ सांसद को कभी देखे हो, 10 साल का बच्चा भी बोलता है हम तो देखे ही नहीं है, कैसे है, हमारी वोट देने की बारी आ गई, हम उस एज में पहुंच गए लेकिन हमने आज तक उस इंसान को देखा ही नहीं है। तो नेताओं से डरिए मत, खुल के मुकाबला कीजिए, क्रांति मचाइए। नहीं तो होगा वही कि नेता का बेटा नेता बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, और आप किसान हो और आप गरीब हो, आपका बेटा गरीब ही रह जाएगा, किसान ही रह जाएगा, आप झंडा लेके जय जय कार करेगा उनकी। तो आप नेता की जो पावर और सत्ता है ना, वो आपकी बनाई हुई सत्ता और पावर नहीं। तो सोच के देखिए कि लगभग 550 सांसद हैं पूरे देश में, 500 सांसद
पूरे भारत की जनता को कैसे चूतिया बनाते हैं। तो बस यही सब मुद्दा है भाई साहब, और मिलते हैं फिर किसी अगले पॉडकास्ट में, फिर कुछ गहन चर्चा होगी। लंबा वीडियो बन रहा तो हम लोग अभी से शुरू किए हैं हवाबाजी में, तो देखो कैसे वो चलता रहता है। लेकिन भाई शुरू किए हैं तो अंत भी होगा कब पता नहीं है, लेकिन ऐसे जारी रहेगा संघर्ष और आपके बीच में ऐसे हम आते रहेंगे। तो इसी के साथ एंड करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू अतुल जी। ओके सर, धन्यवाद।